कौरवों के मामा शकुनी, जिन्होंने अपनी बदले की आग में महाभारत जैसा भयानक युद्ध करवाया। जो महाभारत का युद्ध लाखों करोड़ों लोगों को जीवन को निगल गया, जिस महाभारत के युद्ध ने अनेक महारथियों को मृत्यु दंड दे के अपने अंदर समाहित कर लिया, उस महाभारत के युद्ध का सबसे बड़े दोषी थे मामा श्री शकुनी। कौरवों के मामा श्री शकुनी, जो कि अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात थे, दिखाने के लिए युद्ध में पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली, लेकिन सत्य तो ये था कि मामा शकुनी ने ये महाभारत का युद्ध पांडवों के खात्मे के लिए नहीं, बल्कि कौरवों के कुल का विनाश करने के लिए करवाया था। तो इसी तरह हम इस वीडियो में आज मामा शकुनी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। फैक्ट्स नंबर वन, शकुनी के माता पिता शकुनी गंधार नरेश राजा सुबल के पुत्र थे। गंधार, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। शकुनी का जन्म गंधार के राजा सुबल के राजप्रसाद में ही हुआ था। वो माता गंधारी का छोटे भाई थे। वो जन्म से ही विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे। इसी बुद्धि के कारण राजा सुबल ने उनको अत्यधिक प्रेम करते थे। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। फैक्ट्स नंबर टू, शकुनी की बहन का विवाह। एक बार राजा सुबल ने एक यज्ञ कराया और यज्ञ के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री गंधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण ही गंधारी का विवाह जिससे होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा सुबल ने अपनी पुत्री का दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे की बलि दे दी। कुछ वक्त बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह का प्रस्ताव गंधारी के लिए आया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण शकुनी इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वो इस विवाह को रोक नहीं पाए। विवाह के कुछ पश्चात राजा पांडु और धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हुआ कि गंधारी का एक विवाह पहले भी हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने इस बात की पूर्णता जांच पड़ताल किए बिना गंधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया और सजा के तौर पर उनके पूरे परिवार को एक दिन के खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज ही देते थे, जिससे केवल एक व्यक्ति का पेट ही भर सकता था और एक व्यक्ति की ही जान बच सकती थी। फैक्ट्स नंबर थ्री, शकुनी का पुनर्जीवन। जब धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया और उन्हें खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज ही देते थे, लेकिन एक मुट्ठी अनाज से भला सभी का पेट कैसे भरता? इसके पीछे धृतराष्ट्र की मंशा पूरे परिवार को भूखे मार देने की थी। ये देखते हुए राजा सुबल ने ये निर्णय लिया कि ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दिया जाए, ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके और वो उनकी मृत्यु का बदला ले सके। एक एक करके उसके सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे कि वो जीवित रह सके और कौरवों का विनाश कर सके। सुबल ने अपने छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली और जिसने शकुनी को एक नया जीवन प्रदान किया। फैक्ट नंबर फोर, जादुई पासे। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया था। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया और धृतराष्ट्र ने ये बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग को तोड़ दिया, ताकि वह आजाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल न जाए। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा। ये पासे तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और जुए में कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उनकी हड्डियों के पासे बनवाए। बाद में वही पासे महाभारत के युद्ध का कारण बने और उसी युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे गए और कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया और शकुनी के मन को शांति मिली। फैक्ट नंबर फाइव, शकुनी को स्वर्ग। कहते हैं कि शकुनी ने बहुत पाप किए, लेकिन ये सब उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किए थे। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने ही भूखे मरते देखा था और उनकी मौत का न्याय करने के लिए ही उसने इतने पाप किए और इसीलिए शायद उसे स्वर्ग मिला। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मेरी दृष्टि के सामने मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी अवश्य होगी।